एसएमसी और कंप्यूटर टीचर्स पर भी आज बड़ा फैसला हो गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि कैबिनेट सब कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। फाइनल रिपोर्ट में 4 सुझाव दिए गए हैं कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों की ओर से, और ये सुझाव अब रखे जाएंगे कैबिनेट में, यानी कि अब मंत्रिमंडल में यह फैसला होगा कि किस तरह की पॉलिसी एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनने वाली है। हालांकि पहले बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही थी, लेकिन आज सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री ने यह कह दिया है कि पॉलिसी ही इनके लिए बनाई जाएगी और रेगुलर पॉलिसी की जो ये मांग कर रहे हैं उसके लिए 4 सुझाव अब रखे जाएंगे मंत्रिमंडल के समक्ष। आखिरी फैसला जो होगा वो कैबिनेट का ही रहने वाला है, तो 9 फरवरी तक का इन्हें भी अब यहां इंतजार करना होगा। एसएमसीज का ये कहना है कि तब तक इनका क्रमिक अनशन जारी रहेगा जब तक फाइनल डिसीजन इन पर नहीं हो जाता है। इतना ही नहीं, अगले कल से ये पेंडाउन स्ट्राइक भी शुरू करने वाले हैं। अभी जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर ये कक्षाएं नहीं लगाएंगे, ये बात इनकी ओर से स्पष्ट कर दी गई है। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने भी आज अपनी बात रखी है, और इनका कहना है कि लोकसभा चुनावों में यही बेरोजगार युवा अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल चेतावनी इन्होंने सरकार को यह दी है कि लोकसभा चुनावों में ये कांग्रेस सरकार का साथ नहीं निभाएंगे, क्योंकि जो इनसे वायदा हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। कहां तो स्थायी भर्तियां करने की बात सुखू सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी भर्ती नहीं हो पाई है, ये इनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि आखिरकार क्यों अभी तक जेबीटी बैचवाइज भर्ती का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, इसमें इतनी ज्यादा देरी क्यों बरती जा रही है, और आचार संहिता से पहले पहले कमीशन आधार पर भर्तियां करवाने के लिए भी अधिसूचना जारी की जाए, यह भी मांग इन्होंने रखी है। हालांकि अस्थाई भर्तियों को लेकर इनका एक ही सवाल है कि आखिरकार ये क्यों नहीं हो पा रही है, इतनी देरी इसमें क्यों है, और दूसरी ओर अस्थाई भर्तियां करने में सरकार आखिरकार क्यों लगी हुई है, इनका रिजल्ट भी बैच वाइज का जल्दी घोषित किया जाए। तीसरी बड़ी बात इन्होंने राज्य चयन आयोग को लेकर कही है कि 13 महीने हो चुके हैं इसे बंद किए हुए, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर राज्य चयन आयोग का गठन किया गया था, तो इनका यह मानना है कि अभी तक बहाल नहीं हो पाया है, 13 महीने हो चुके हैं, तो कितना ज्यादा समय इसमें अब और सरकार लेने वाली है, इसे भी जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। एक आज अच्छी खबर निकलकर आई है बेरोजगार युवाओं के लिए, ये राज्य सहकारी बैंक से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं, क्योंकि निदेशक मंडल की बैठक आज राज्य सहकारी बैंक में थी, ये मुख्य कार्यालय शिमला में ही आयोजित की गई थी। 3 से 4 इसमें बड़े डिसीजन लिए गए हैं। पहली बात तो ये देखिए, प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार का मौका दिया जा सके, इसलिए बैंक में 265 जूनियर क्लर्क की भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती ये की जाएगी, आज ये बड़ा डिसीजन हम कहना चाहेंगे निदेशक मंडल की बैठक में हुआ है। दूसरा फैसला, आरबीआई द्वारा अनुमोदित 22 नई शाखाओं को इसी वित्त वर्ष में सुचारू रूप से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है, तो यानी कि 31 मार्च से पहले पहले शुरू कर दिया जाएगा, ये बात इनकी ओर से कही गई है। विभिन्न श्रेणियों के 209 कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नत किया जाएगा, और 168 दैनिक भोगी कर्मचारियों को वांछनीय सेवा काल पूरा पूर्ण करने उपरांत उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय भी लिया गया है। 4 बड़े डिसीजन है, लेकिन जो जूनियर क्लर्क की भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती की बात क्योंकि इसमें कही गई है, तो पद भी 265 के करीब है, और युवा इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब आना चाहेंगे सुखू सरकार की भर्तियों पर कि आखिरकार अभी तक कितनी हो पाई है। इससे पहले क्योंकि कई बार ऐसी स्टेटमेंट सीएम की ओर से दी गई है कि 20,000 के करीब भर्तियां हो चुकी हैं या फिर 31 मार्च से पहले ये सभी भर्तियां पूरी हो जाएंगी, तो विभिन्न विभागों से आज हमने डाटा कलेक्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम सुखू का ये मानना है कि 31 मार्च से पहले पहले कुल 20,000 के करीब पद भर लिए जाएंगे। अब इन 20,000 पदों में कौन कौन सी कैटेगरीज को काउंट किया जा रहा है आपको ये भी बता देते हैं। इसमें वन मित्र भर्ती है, गेस्ट टीचर भर्ती है, हालांकि गेस्ट टीचर भर्ती को अभी होल्ड पर रखा गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये भर्ती नहीं होगी, केवल एक तरह से इस पर रोक लगाई गई है और उसके बाद कोई डिसीजन सामने आया नहीं है सरकार की ओर से। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती, पैरा वर्कर और आउटसोर्स जैसी अस्थाई भर्तियों को भी इन 20,000 भर्तियों में काउंट किया जा रहा है। इसके अलावा स्थायी भर्तियां करने का जो डिसीजन सरकार की ओर से लिया गया था वो कुल 12,000 के करीब पदों पर लिया गया था, और कैबिनेट में इन पदों को भरने पर मंजूरी भी मिल चुकी है। 12,000 पदों में सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे, जो कि 6,500 के करीब बताए जा रहे हैं। ये टीचर्स के पद भरे जाएंगे, लेकिन इसमें आधे पद बैचवाइज आधार पर भी भरे जा रहे हैं, यानी कि 50% पदों की बात करें तो वो बैचवाइज आधार की भर्ती से ही भरे जाएंगे, और 50% तब भरे जाएंगे जब राज्य चयन आयोग फंक्शनल होगा। तो कुल मिलाकर ये 20,000 पद काउंट किए जा रहे हैं, और एक इसमें पुलिस भर्ती है, 1,226 के करीब इसमें पद भरे जाएंगे। ये जितनी भी भर्तियां हैं, जब इस बारे में हमने डिटेल मांगी तो जानकारी हमारे पास ये आई है, कुछ एक में भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है, कुछ में हो ही नहीं पाया है। जैसे पुलिस भर्ती की बात करें, क्योंकि इन सभी भर्तियों में अभी जो स्थायी भर्ती नजर आ रही है वो महज एक है, पुलिस भर्ती, तो पुलिस भर्ती में अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है। अभी कुछ दिन पहले ही भर्ती नियम देखिए इसके सामने आए थे, कुछ एक संशोधन भी इस बार क्योंकि भर्ती नियमों में हुआ है। अब दूसरी बात करना चाहेंगे बैचवाइज आधार भर्तियों की, जो शिक्षा विभाग में हो रही है, विभाग क्योंकि अपने स्तर पर करवा रहा है, तो इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया तो देखिए पूरी हो गई है, लेकिन नियुक्तियां किसी को नहीं मिली है। अब तीसरी बात करना चाहेंगे इन अस्थायी भर्तियों की, जैसे कि मल्टीटास्क वर्कर की बात करें, पैरा वर्कर की या वन मित्र की बात करें, प्रोसेस भले ही वन मित्र भर्ती में शुरू हुआ हो, लेकिन अभी पहला चरण शुरू हुआ है, ग्राउंड टेस्ट हो रहा है, और ग्राउंड टेस्ट भी जनजातीय क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों का,
हुआ नहीं है। मल्टीटास्क वर्कर, पैरा वर्कर, इसमें प्रोसेस ही अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ये जितने भी पद हैं केवल काउंटिंग की जा रही है। भर्तियों का प्रोसेस जहां शुरू भी हुआ है तो पहला चरण या दूसरा चरण है, और बैचवाइज भर्तियों में काउंसलिंग अगर हो गई है तो नियुक्तियां अभी तक नहीं दी गई है। तो इसी वजह से युवाओं की ओर से सवाल ये किया जा रहा है कि भर्तियां तो हो रही है लेकिन हुई कहां है, नियुक्तियां किसे मिली, इस बात की खबर नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि नियुक्तियां अभी तक एक भी भर्ती में नहीं मिल पाई है, इसीलिए युवा काफी ज्यादा हताश चल रहे हैं। कैबिनेट बैठक पर अब आना चाहेंगे क्योंकि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। 4 मामलों पर इसमें चर्चा होने वाली है। पहली बात करना चाहेंगे गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर, चर्चा संभावित है। राज्यपाल अभिभाषण के ड्राफ्ट को भी इसमें मंजूरी दी जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों पर भी इसमें चर्चा होगी। मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है, और जीओआईटी पोस्ट कोड 817 के मामले में भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। ये मामला हालांकि पहले भी कैबिनेट में गया था लेकिन फिर फाइल वापस लौटा दी गई थी। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जीओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के लिए ये भी है कि क्या इस पोस्ट कोड में पोस्ट को कम किया जाएगा, क्या ये कम की जा सकती है, क्योंकि यंगस्टर्स भी ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कारण ये है कि पोस्ट कोड 556 की एग्जीक्यूशन पिटीशन के बाद इस बारे में कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को फाइल भेजी थी राय लेने के लिए, ताकि कानूनी राय ली जा सके। विधि विभाग ने अब ये फाइल वापस कार्मिक विभाग को लौटा दी है और कोई भी एक स्पष्ट सलाह इसमें नहीं दी गई है। दरअसल इसमें सिर्फ विधि विभाग की ओर से इतना कहा गया है कि कार्मिक विभाग इसमें कॉन्शियस डिसीजन खुद ले, यानी कि कार्मिक विभाग को या राज्य सरकार को इस पूरे मामले में एक अपने स्तर पर ही फैसला लेना होगा। तो ये भी आज जानकारी निकलकर सामने आई है। पेंडिंग रिजल्ट पर शिमला चलो का नारा भी कुछ एक पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों की ओर से दिया गया है। इसमें पोस्ट कोड 817, 903, 949, 980, 982, 917 और 928 शामिल है। अधिकतर वो जिन पर एफआईआर दर्ज है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है अभी आगे नहीं बढ़ रही है, यानी कि एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन अगला प्रोसेस क्या रहेगा इस पर कोई भी क्लैरिटी अब सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। तो अब ये शिमला आने वाले हैं, इनकी निगाहें पहले तो कैबिनेट बैठक पर रहेगी, ये देखेंगे कोई डिसीजन इनके हित में लिया जाता है या नहीं। और उसके बाद इनकी ओर से चेतावनी ये दे दी है कि अगर इस कैबिनेट में भी कुछ नहीं होता है तो फिर ये क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, यानी कि रिजल्ट इनके घोषित नहीं हो जाते और अगला प्रोसेस शुरू नहीं होता नियुक्तियों के लिए, तब तक फिर इनका क्रमिक अनशन जारी रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी कि अगली कैबिनेट में रिजल्ट घोषित करने पर फैसला लिया जाएगा, तो अब इसी उम्मीद में ये अभ्यर्थी बंधे हुए हैं। हालांकि 817 को लेकर ये बात कही गई थी लेकिन बाकी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब एक पोस्ट कोड में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है तो इनके लिए भी सरकार को सोच विचार करना चाहिए।